अस्सलामुअलैकुम, खैरियत कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो। और आज हम सहरी के लिए खट्टी दाल बना रहे हैं, कैरी की और गोश्त, काली मिर्ची का गोश्त डाले। सहरी की रेसिपी है ये। इसके लिए मैं हाफ कप दाल भीगने रखी थी, धो के भीगने रखी थी, ये ले ली मैं। आधा घंटा भिगाए, भीगने के बाद कुकर में डाल दे रही हूँ। ये डाल दी मैं, और इसमें हाफ टी स्पून हल्दी, और हाफ कैरी ली मैं, बड़ी थी तो हाफ ले ली मैं। तीन हरी मिर्ची, दो टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें। टमाटर को कट करके ये कैरी की खट्टी दाल बना रही हूँ। कैरी की वो इमली की भी बनाते हैं, कैरी की भी अच्छी होती है। कैरी के दिन चल रहे ना, इसलिए अपन इसको यूज़ करके बनाएंगे। पानी डाल दें, अब अदरक लहसुन डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, नमक नहीं ऐड करिए अभी। दाल अच्छी से गल जाती है मीठा तेल डालने पर, इसलिए डाल दी मैं। अब इसको चूल्हे पर रख दे रही हूँ, मैं बताती हूँ मैं फिर। अब दाल तो रख दी मैं लीड बंद करके। अब गोश्त ले ली मैं, 250 ग्राम गोश्त है ये। इसको धो ली मैं, धो लेके अब इसको ग्राइंड कर लूँगा। इसको ग्राइंड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए हमारा गोश्त ब्लेंड हो गया। अब मैं इसमें दाल दे रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई काली मिर्ची का बना रही हूँ मैं। काली मिर्ची का मटन फ्राई बहुत अच्छा होता, आप लोग भी ट्राई कीजिए। स्पेशल है ये सहरी के लिए, दाल के साथ अच्छा लगता है। वक्त इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाली मैं, हाफ टी स्पून काली मिर्ची, और थोड़ा सा क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला डाल के नमक डाल दें, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दी। अब इसमें पानी ऐड कर ली, हाफ ग्लास पानी डाल दी, मिक्स कर ली। मिक्स करके ऑयल भी डाल दूंगी मैं। टेबल स्पून ऑयल डाल दी, अब इसको फ्लेम पे रख रही हूँ। देखिए काली मिर्ची का तला हुआ गोश्त रेडी है। 2 मिनट भूनने के बाद फिर मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से, 2 मिनट के बाद। और दाल हमारी गल गई है, देखिए आप, दाल हमारी अच्छी से गल गई। हम इसको थोड़ा ढकेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा पानी ऐड कर दाल ढक के बताऊँगी आप। देखिए दाल हमारी अच्छी से घोटेगी, थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी बस बस बस। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता और कोथमीर धो के रख ली मैं, डाल देंगे दाल की, पका के फिर भगा देंगे। बताती मैं आपको इसको चूल्हे पे रख के। देखिए दाल को पानी डाली थी ना मैं दाल में, तो एक उबाल आया था, पका ली मैं। अब मैं कढ़ाई ये रख ली, पैन रख ली मैं बघारने के लिए, बघारने के लिए डाल दी मैं ऑयल, डाल दी मैं ज़ीरा। देखिए ऑयल अच्छे से हीट हो गया। मैं इसमें लहसुन डाल दी, और लहसुन थोड़ा सा होने के बाद मैं ज़ीरा डाल दी। लहसुन ब्राउन हो गया हमारा, अभी लाल मिर्ची डाल दी मैं, और डाल दी कड़ी पत्ता डाली थोड़ा सा, थोड़ा भून के नीचे बघार लगा दी। देखिए रेडी हो गया बघार, जीरा अच्छा ब्राउन हो गया, बंद कर दी मैं। रेडी हो गई कैरी की दाल, कैरी की रेडी हो गई दाल, और कीमा भी रेडी हो गया, वो सॉरी तले सो काली मिर्च से गोश्त भी रेडी हो गया। दिखाती हूँ मैं आप,
आप लोग भी ट्राई कीजिए हमारी कैरी की दाल खट्टी और खीमा फ्राई काली मिर्ची का, बहुत टेस्टी होता है दाल के साथ, कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहता। ट्राई करिए, फिर हमारे साथ कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए। और रमज़ान में हमें दुआओं में अपनी याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।